स्टोरी सच्चाई के कितने करीब है, क्योंकि जबरदस्त बवाल इस फिल्म को लेकर हो रहा है। बीजेपी फिल्म के समर्थन में खुले तौर पर सामने आई है। बीजेपी के नेता थिएटर जाकर फिल्म को देख रहे हैं। कल हमने केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर से इस पर बातचीत की, सुनिए। ये एक ऐसी फिल्म है जो आपको झकझोर कर रख देती है, जो उन पहलुओं पर प्रकाश डालती है जहां पर बेटियों को फुसलाकर, बरगलाकर, कहीं ना कहीं प्यार के जाल में फंसाकर उस राह पर ले जाने का प्रयास किया जाता है जो सीधा आईएस के साथ, आतंक के रास्ते के साथ जुड़ा हुआ है और जहां से वापस मुड़ के आने का कोई गुंजाइश ही नहीं है। एक ऐसा अनुभव प्रयास जहां पर भविष्य के लिए बेटियों को, महिलाओं को, परिवारों को, देश को जागरूक किया जाए कि क्या कैसे घटता है। और कुछ लोग अपनी तुष्टिकरण की राजनीति के चलते इस फिल्म को रुकवाना भी चाहते हैं, इसके खिलाफ बयान भी देते हैं। ये अपने आप में दिखता है इनका एजेंडा केवल वोट बैंक की राजनीति है। उनके मन में बेटियों के लिए कोई दर्द नहीं है और कहीं ना कहीं वो एक तरह से इनडायरेक्टली, अप्रत्यक्ष तौर पर आईएस या आतंकवाद का या तुष्टिकरण का उस तरह का समर्थन करते हैं। लेकिन पॉलिटिकल एजेंडा तो वो आपका बता रहे हैं और यही वजह बता रहे हैं कि इसकी जो टाइमिंग है वो दरअसल कर्नाटक चुनाव के बेहद नजदीक है और क्योंकि वो दक्षिण भारतीय एक राज्य है, ऐसे में आप लोग उसे भुना रहे हैं और यही वजह है कि बीजेपी शासित राज्यों में से टैक्स फ्री किया जा रहा है। देखिए, मैं एक बात आपको बड़ा स्पष्ट कर दूं, कांग्रेस हर विषय को चुनाव के साथ लेकर देखती होगी, कम्युनिस्ट देखते होंगे, इसीलिए तो ये दबाने का प्रयास करते हैं। केरल में इनकी सरकारें रही, इन्होंने कोई कदम नहीं उस पर उठाया। मैं पूछना चाहता हूं केरल के पूर्व मुख्यमंत्री और अब के मुख्यमंत्रियों से भी, कौन से कदम उठाए इन सबको रोकने के लिए? और कदम इन्होंने उठाए तो फिल्म ना चले उस दिशा में कोई सुप्रीम कोर्ट चला गया, किसी ने बयान देने शुरू कर दिए। तो मेरा पूछना इनसे इतना है कि क्या आप उन परिवारों के साथ खड़े हो जिनकी बेटियों को ये भुगतना पड़ा, जिनके परिवार बर्बाद हो गए, या आप कहीं ना कहीं इस्लामिक स्टेट का, आईएस का समर्थन करते हो, आतंकवादियों का समर्थन करते हो, उसका विरोध करके अप्रत्यक्ष तौर पे उनका समर्थन ही कर रहे हैं? अगर इनके मन में 1% भी होता तो क्यों नहीं चाहते कि जागरूक हों?